आज हम बिगिनर सीरीज पार्ट टू देखने वाले हैं और इसके अंदर हम देखेंगे कि इस एक्वेरियम में सब कैसे इंस्टॉल करते हैं और इसको ऑल इन वन एक्वेरियम कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। इस हॉबी और मैं उस टाइम ठाकुर। तो जो इस एक्वेरियम के अंदर जो हमें सम इंस्टॉल करना है उसके लिए हमने ग्लास कट करा लिए हैं और इसके अंदर हम सम के अंदर एक पार्टीशन करने वाले हैं। तो सम इंस्टॉल करने से पहले आपको एक्वेरियम को जो एक्वेरियम आपने बनाया है उसकी लीकेज टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम इसकी लीकेज टेस्ट करेंगे। तो हमने इस एक्वेरियम को पानी भर दिया अखा और इसकी लीक टेस्ट करी। तो इसकी लीक टेस्ट मैंने करी थी तो इसमें थोड़ी सी लीक आ गई थी, तो वो लीक मैंने सॉल्व कर दी है और फिर वापस से मैंने इसकी लीक टेस्ट करी तो प्रॉपर हो गई थी। अब इस एक्वेरियम में कोई लीकेज नहीं है। तो अब हम इसके अंदर सम इंस्टॉल करेंगे। तो सम के लिए जो मैंने ग्लास कट करा था, तो जो सम के अंदर जो डिवाइड डिवाइड होगा जो ग्लास, वो ग्लास मैंने मेन हाइट थी जो एक्वेरियम की उससे आधा इंच छोटा रखा है। छोटा रखा है क्योंकि अगर पानी सम में से ज़्यादा फ्लो होके इस साइड आ गया तो यहाँ पे अगर ओवरफ्लो हो, अगर पानी ज़्यादा बढ़ गया तो अगर उसकी हाइट जो सम डिवाइड करने वाला जो जो सम को डिवाइड करता है उसके अंदर जो ग्लास है उसकी हाइट अगर सेम होगी एक्वेरियम की हाइट की जितनी तो पानी इधर बढ़ जाएगा और ओवरफ्लो होके एक्वेरियम के बाहर गिरेगा। पर हाइट अगर उसकी से आधा इंच कम होगी तो वहाँ से पानी फ्लो होके वापस सम में चला जाएगा और ये साइकिल चालू रहेगी। और सम के अंदर जो हम ग्लास लगाने वाले बैक साइड, उस ग्लास की भी हाइट मैंने थोड़ी छोटी रखी है, सम से भी सम की हाइट से भी थोड़ी छोटी रखी है। जिससे क्या होगा, अगर यहाँ पे मैकेनिकल साइज पे अगर वेस्ट बढ़ गया और पानी का फ्लो बराबर नहीं रहा तो वहाँ से ऊपर से पानी फ्लो हो जाएगा और ओवरफ्लो का चांसेस बंद हो जाएगा। और जो जो बीच में पार्टीशन वाला ग्लास रखा है उसके अंदर हमने नीचे भी गैप रखी है, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताता हूँ। तो अभी जो ये जो हमारा पार्टीशन है उसके ऊपर हम पहले पोस्टर लगाएंगे। जो विनाइल आती है प्लास्टिक की, जो फाइबर जो प्लास्टिक की विनाइल आती है वो हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं। तो इस विनाइल को हम पहले इसके अप्रोक्सीमेट साइज़ पे कट करेंगे, इससे थोड़ी बड़ी कट करेंगे। फिर इसको हम उसके पहले जब ग्लास को प्रॉपरली हम पानी से क्लीन करेंगे, फिर न्यूज़पेपर से उससे क्लीन कर लेंगे तो हमारा जो ग्लास है वो प्रॉपरली क्लीन हो जाएगा। और जब हमारा ग्लास अब प्रॉपरली क्लीन हो जाएगा तब हम उसके ऊपर ये विनाइल पेस्ट कर देंगे और स्केल की मदद से उसके अंदर जो पानी लगा हुआ था वो धीरे धीरे करके हम निकालेंगे। पानी इसलिए लगाते कि हमें अगर कुछ एडजस्टमेंट करनी हो विनाइल के अंदर प्रॉपर तो वो हम कर सकते। एक बार जहाँ पे पेस्ट हो गया और स्केल की मदद से हमने पानी निकाल दिया और प्रॉपर स्टिक हो गया। तो अब ये जो विनाइल चिपक गया है उसको हम ऑल जो भी एजिस है उससे हम तीन तीन के चार चार एमएम जितना बाजू में से कट कर लेंगे, चारों ओर से ऊपर कोई ग्लास रख के और स्केल रख के हम उसे कट कर लेंगे। जब इसकी एज देखनी हो तो हम उंगली घुमा के इसकी एज हम चेक करेंगे, फिर उसको चार चार एमएम चारों ओर से कट कर लेंगे। इससे क्या होगा, जब हम इसको चिपकाएंगे एक्वेरियम के अंदर तो हमें सिलिकॉन लाइन की प्रॉपर जगह मिलेगी और जो बीच में जो होल करा है हम इसके अंदर इस ग्लास के अंदर वो होल है उसको भी हम स्केल घुमा के और उसके अंदर स्ट्रेस हो जाएगा होल का और उसको चारों ओर हम स्केच पेन से मार्किंग करके वहाँ से स्क्वायर कट आउट निकाल लेंगे। अब ये हो गया। अब इसके बाद हम इसको जो कटआउट है जो स्क्वायर का उसकी चारों ओर और जो ये जो विनाइल लगी है ग्लास में चारों उसके उधर हम सिलिकॉन लगा देंगे चारों ओर, क्योंकि अगर पानी में बाई चांस अगर इसका गम अगर ये विनाइल लूज हो गई और पानी के कारण अगर निकल गई तो फिर इसके अंदर पानी जा सकता है ऊपर से और ये हमारा पोस्टर है वो निकल सकता है। इसलिए अगर हम चारों ओर इसके अंदर सिलिकॉन लगा देंगे तो पानी अंदर नहीं जाएगा और ये प्रॉपरली
एयर टाइट जैसा हो जाएगा, इसके अंदर पानी एंटर नहीं होगा और हमें पोस्टर की लॉन्ग लाइफ हो जाएगी और अंदर आसानी से टिका रहेगा। तो ये हमारा पोस्टर अब लग गया है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा सम का जो डिवाइडर डिवाइड होगा एक्वेरियम को, ये पोस्टर लगा हुआ ग्लास, उसके पीछे हमें पार्टीशन लगाना है। तो उस पार्टीशन को हम कैसे लगाएंगे? तो पहले इस जो हमारा जो ये सम के लिए जो हमने पोस्टर ये जो हमने बनाया है जो हमारा ग्लास, उसको हम अभी बैक साइड पे रख देंगे और जहाँ पे हमें ग्लास लगाना है वहाँ पे मार्किंग कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ रूलर। ये अपनी जो टैब आती है जो मेरे पास पड़ी है उससे मैंने मार्किंग कर लिया है और अप्रोक्सीमेटली मैंने हाफ जितना रखा है, हाफ से थोड़ा बड़ा रखा है इसका पार्टीशन, तो वो मार्क कर लिया है और फिर उसको मैंने स्केल से स्केच पेन से मार्किंग कर लिया है। अब ये जो पार्टीशन वाला ग्लास है उसके पीछे मैं सिलिकॉन लगाऊंगा। सिलिकॉन लगाने के बाद इसको मैं उस मार्किंग पे रख दूंगा, लेकिन वो मार्किंग पे मुझे बॉटम साइड है वहाँ से आधा या एक इंच जितनी गैप रखनी होगी जिससे पानी नीचे से फिल्टर होके इस साइड चैम्बर में एंटर हो सके, और ऊपर की साइड भी थोड़ी गैप रखी है कि अगर बाई चांस मैकेनिकल फिल्ट्रेशन में अगर क्लॉगिंग हो जाए तो ऊपर से पानी निकल के ये साइड सब में आके पंप से वापस एक्वेरियम में पानी चला जाएगा। इसलिए हमने सेफ्टी के लिए यहाँ ये वाली सिस्टम रखी हुई है। तो इस प्रकार हम इसे लगा लेंगे और अब यहाँ पे टैप लगा देंगे, एग्रो टैप जो आती है वो हम इसके अंदर लगा देंगे और परफेक्ट फिटिंग कर देंगे और इसको हम सूखने के लिए रख देंगे। अप्रोक्सीमेटली मैंने इसे 12 घंटे तक सूखने दिया और फिर मैंने यहाँ पे इसको जो जो वहाँ पीछे का बैक साइड वाला ग्लास है उसके ऊपर वापस से सिलिकॉन लगा दी और इसको हमने जो एक्वेरियम था उसके 4-4 इंच की गैप थी वहाँ पे स्केच पेन से मार्किंग कर ली और फिर उसको ये ग्लास को उसके हिसाब से अंदर हमने रख दिया और फिट कर दिया। तो पीछे की साइड सिलिकॉन लग गई, अब ये चारों ओर सिलिकॉन लगानी है। तो अब हम इस चारों ओर जो मैं एडजस्ट हो गया है ये ग्लास, अब इसको हम चारों ओर सिलिकॉन लगा के इसको फिट कर देंगे। तो इसको हम सिलिकॉन लगा दी, फिर उंगली घुमा के फिनिशिंग दे के इसको हमने फिट कर दिया ये ग्लास को, और ये बैक साइड था उसको भी हमने वहाँ पे भी सिलिकॉन लगा के इसको फिक्स कर दिया। तो अब ये हमारा ग्लास का सब का पार्टीशन कंप्लीट फिक्स हो गया है। अब इसके अंदर हम जो पानी जाने के लिए हमने जो चीज़ें ली है वो कैसे बनाई वो आपको दिखाते हैं। तो इसके अंदर जो पार्टीशन है, जो होल है, उधर हमें कौन सी चीज़ें चाहिए होगी मैं आपको बताता हूँ। एक चाहिए टांकी निप्पल, वो 1 इंच की है, और एक चाहिए एल्बो, वो इंटरनल थ्रेड वाला एल्बो, एक साइड इंटरनल थ्रेड होगी और एक साइड सिंपल होगा, वो भी 1 इंच का चाहिए। और हमें चाहिए एक फुट वाल, जो हम जो टंकी होती है हमारी जो अंडरग्राउंड टंकी, वहाँ से जब पानी हम ऊपर भेजते सेकंड फ्लोर पे टैंक में तो वहाँ पे नीचे फुट वाल लगाता है, वो वाला 1 इंच की साइज़ वाला फुट वाल चाहिए। तो ये जो फुट वाल है वो मैंने लिया है यहाँ पे लगाने के लिए। तो जो फुट वाल है ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ऊपर का पार्ट, मिडल पार्ट और बॉटम पार्ट। जो जो नीचे वाली साइड है वो हम लेने वाले नहीं है, ऊपर वाली साइड और बीच वाली साइड, जो बीच वाला व्हाइट वाला हिस्सा है वो और ऊपर वाला हिस्सा है वो हम लेने वाले। तो हमारा जो एल्बो है उसके ऊपर ये बीच वाला जो व्हाइट कलर का हिस्सा है उसको हम ग्लू की मदद से चिपका देंगे, और चिपकाने के बाद हम ये जो ऊपर का जो हिस्सा है फुटबॉल का वो हम यूज़ कर सकते हैं, उसको हम ऊपर फिट करेंगे और निकाल सकते हैं साफ करने के लिए जब भी हमें चाहिए होगा। अब इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो पहले जो ये हमारी टांकी निप्पल है उसके अंदर दो साइड, या जो टांकी निप्पल देख रहे हो इसके अंदर दो वॉशर है रबर के, तो इसको एक साइड से हम अंदर डालेंगे, वहां पे भी एक वॉशर रखेंगे, फिर यहाँ से डालेंगे, फिर ये साइड जो हिस्सा बाहर निकलेगा वो साइड नट होगी, तो उधर भी एक वॉशर आएगा रबर का, वो लगा देगा और ये नट से इसको फिट कर देंगे। इसको फिट करने के बाद हमारा जो ये जो एल्बो है उससे रोटेट करके हम इसके अंदर लगा देंगे और इसके ऊपर हम हमारी जो ये फुट वाल था ऊपर का हिस्सा है वो हम उसके ऊपर फिट कर दें जो भी आप देख रहे हो। तो इस प्रकार से हम इसको फिटिंग करेंगे, और इसके जो होल है वो ऐसी जगह पे करना है जिससे ये लगाने के बाद हम जो एल्बो है वो रोटेट भी करके निकालना हो तो निकाल सके, उतने हमें डेप्थ में अंदर लेना है और उसकी हाइट इतनी रखें जितनी ये जो हमारा जब फुट वाल का जो टॉप आता है उधर तक की हाइट रखें जहाँ तक पानी का लेवल मेंटेन रहे एकदम। तो मैंने ये फुट वाल है इसको अप्रोक्सीमेटली आधा इंच तक बॉटम थोड़ा नीचे रखा है, इसके हिसाब से मैंने इसका होल किया है।
यहाँ से जो एल्बो है वो अक्खा रोटेट हो सके उतनी गैप छोड़िए, जो बैक साइड का जो हमारा ग्लास पैनल है उससे, और ऊपर से हमने आधा इंच की गैप छोड़ी फुटबॉल का, फुटबॉल लगने के बाद। तो इस प्रकार हमने इसे सेट करा है जिससे परफेक्टली वाटर की वो आप जब ये वीडियो में आप ये सब इमेजेस देखोगे और ये वीडियो देखोगे तो आपको आप अपने आप आसानी से पता चल जाएगा कैसा हमें रखना है। और इसके अंदर जो भी कोई चीज़ें ली है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि मैंने कैसे कैसे ये रखा हुआ है। अब ये फिक्स हो गया है, अब इसके अंदर हम पानी भरना चालू करेंगे आगे की साइड से। अभी आगे की साइड से पानी भरेंगे, तब पानी भरेगा जब ये फुट वाल के जो होल्स है वहां तक पहुंचेगा तो यहाँ से वो पीछे वाले चैम्बर में आएगा। तो पीछे वाले जो पहला चैम्बर वहां में आएगा, वहां पे हम स्पंज मीडिया मेनली रखने वाले हैं, बॉटम में बायोलॉजिकल मीडिया रखेंगे। तो इस प्रकार वहाँ मैकेनिकल फिल्ट्रेशन होके पानी बायोलॉजिकल से होकर यहाँ पे पंप वाले चैम्बर आएगा, पंप वाले चैम्बर से पानी होकर ये वहाँ पे फ्रंट में वापस आएगा। इस प्रकार ये वर्क करेगा। तो आप देख सकते हो यह पीछे की सबके पीछे की साइड यहाँ पे दो चैम्बर है, एक में जो पानी आ रहा है वापस स्पंज रखेंगे और बायोलॉजिकल मीडिया, और वहां से पानी क्लीन होके पंप द्वारा वापस हमारे मेन टैंक में जा रहा है। तो यहाँ से पानी अंदर जाएगा साफ होके, फिर वापस ये सम्प से क्लीनिंग होता रहेगा। तो अब ये जो हमें सम का जो ग्लास है वो हमने आधा इंच कम रखा है मेन टैंक से, और जो बीच वाला जो पार्टीशन है वो नीचे से खुला रखा है लेकिन ऊपर से भी हमने उसको आधा इंच कम रखा है, जिससे पानी अगर जो मैकेनिकल जो हमारा स्पंज है अगर वो भर जाए फुली क्लॉग हो जाए, पानी ट्रांसफर फास्ट ना हो सके उसके द्वारा, तो ऊपर से पानी होके ये पंप सेक्शन में आ जाएगा जिससे पंप हमारा परफेक्टली रोटेट में रहेगा, पानी परफेक्टली रोटेशन में रहेगा, इस प्रकार कोई फेलियर नहीं होगा। तो इस प्रकार हमने ये एक्वेरियम डिजाइन करा है और इसका फ्लो भी बहुत बढ़िया मिलता है, इससे क्लीनिंग भी बहुत अच्छी मिलेगी। तो ये आप देख सकते हो जो मैंने ये जो फुट वाल का जो मैंने लिया ऊपर का वो इतना बारीक है कि कोई फीस अंदर फंस नहीं सकती, और छोटी छोटी बहुत बहुत टाइनी फीस होगी बच्चे होगी फीस के तो वो अंदर फंस सकते हैं, लेकिन अगर बड़ी फीस होगी तो वो अंदर नहीं फंसेगी। तो इस प्रकार ये हमने डिजाइन किया, अगर अगर छोटे बच्चे अगर होने वाले हो या करना हो तो इसे ऊपर हम छोटी छोटी जो मच्छरदानी वाली जो नेट आती है वो नेट ला के रबर ला के टेम्पररी सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये एक्वेरियम वर्क करेगा। और इस एक्वेरियम के अंदर अभी आगे इसको पेंट जॉब करने वाले हैं या फिर पोस्टर लगाने वाले हैं वो आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा, और इसको कैसे और फिर ये पेंट जॉब उसकी परफेक्टली रेडी हो जाएगा ये अक्खा एक्वेरियम, फिर हम इसको जाके जिसको हम ये गिफ्ट में देने वाले हैं उनके घर जाके ये हम एक्वेरियम को सेटअप करेंगे और फिर आपको आगे का वीडियो बताएंगे। तो होप करता हूँ आपको ये जो सब मैंने कैसे इंस्टॉल करा उसका और पानी कैसे जा रहा है और कैसे कैसे सब वर्किंग हो रहा है वो आप सबको परफेक्टली समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में जो भी इंफॉर्मेशन देनी होगी जो जरूरत है वो मैं दे दूंगा। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप ये वीडियो देख रहे हो अगर इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो आपको मैं इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पहला पार्ट भी जाके देख सकते हो कि एक्वेरियम कैसे बना था। तो होप करता हूँ आपको ये बिगिनर सीरीज का पार्ट 2 अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना अपने हॉबीज फ्रेंड के साथ, और आपके पास अगर एक्वेरियम है तो इस प्रकार का एक्वेरियम में सम ऐड करिए, और आपके जो नॉर्मल एक्वेरियम उसके अंदर भी आप ऐसे सम ऐड कर सकते हो। तो ये वीडियो को आप लाइक करना शेयर करना, और इसी प्रकार के मैं अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा, और हमें सपोर्ट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें अच्छा लगता है और सपोर्ट मिलता है। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। टिल देन, सैनी साकोर साइनिंग ऑफ।